हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ईयरिंग कलेक्शन। ये ईयरिंग कलेक्शन पार्ट फोर वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ईयरिंग्स के साथ। तो ये है हमारा पहला ईयरिंग्स जो है रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में, और ये थोड़ा सिल्वर कलर के लुक में है। तो ये ईयरिंग जो है थोड़ी लॉन्ग में है, और ये ईयरिंग आप सूट के साथ ट्राई कर सकते हो और लेगिंग्स कुर्ती के साथ ट्राई कर सकते हो। तो और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी दिखती है, मतलब काफ़ी अच्छी लुक देती है आपको। अगर आपने इवन अगर आपने जीन्स और कुर्ता स्टाइल अप किया हुआ है तो उसके लिए भी ये ईयरिंग परफेक्ट जाती है और लुक को काफ़ी इन्हांस कर देती है। अगर मैं बात करूँ गाइस इसके प्राइस की, तो ये मुझे अगेन मैंने चूँकि इसको लोकल मार्केट से लिया था तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी। ये मुझे मिली थी 60 रुपीज़ की, तो काफ़ी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी। अगर ऑनलाइन अगर आप इसका प्राइस चेक करिएगा गाइस, तो ये 200 to 300 के बजट में आपको दिखेगा। तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ईयरिंग कैसा लगा। तो ये था आज का पहला ईयरिंग कलेक्शन में से। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयरिंग की। तो नेक्स्ट जो हमारा ईयरिंग है वो भी हमारा गाइस आज मल्टी कलर में है, और ये थोड़ा मोर का स्टाइल बना हुआ है, और इसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू सारे कलर्स मिक्स्ड है। और इसका भी ना ज़्यादा लॉन्ग है ये ईयरिंग, ना ज़्यादा शॉर्ट है, तो मीडियम लेंथ में ईयरिंग है, पीछे हुक लगाने का है, तो काफ़ी अच्छी लुक को इन्हांस करता है ये ईयरिंग। और अगेन इसको आप सूट, लेगिंग्स, कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। इवन इसको अगर आप जीन्स और कुर्ती के साथ स्टाइल अप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है गाइस। तो ये थोड़ी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ में आ जाती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ गाइस, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिली थी। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ में मिली थी, और अगर आप अगेन ऑनलाइन देखिएगा तो ये थोड़ी महंगी दिखेगी आपको। तो अगर आपको ये ईयरिंग अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताएं और मैं बता दूंगी मैंने कहाँ से ख़रीदा था। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। वो भी जो है वो मल्टी कलर में है, और ये थोड़ी स्मॉल में ये ईयरिंग है, और लटकन स्टाइल में है। अगेन ये ईयरिंग भी आप सूट, लेगिंग्स, कुर्ती और जीन्स कुर्ती आप किसी के साथ ये ईयरिंग्स ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा लुक देगी ये ईयरिंग। और जो ये मल्टी कलर है तो आप इसको किसी भी कलर के ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं, तो अच्छा ही लगेगा, मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, तो चूंकि मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की पड़ी थी। ये मुझे पड़ी थी 30 रुपीज़ की। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, ये मुझे पड़ी थी 30 रुपीज़ की। और प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी काफ़ी अच्छा लुक देती है। इसका जो जो पॉलिशिंग भी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी रिच लुक देता है, चीप लुक बिल्कुल भी नहीं देता, और थोड़ा झुमका स्टाइल में भी है, इंडो वेस्टर्न लुक देता है। तो इसमें आपको सब कुछ, सारा कुछ मिल जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। तो ये जो है ये वेस्टर्न स्टाइल में है ये ईयरिंग। ये इसको अगर आप कुछ भी वेस्टर्न ड्रेसअप कर रहे हैं, अगर आप कोई ड्रेस पहन रहे हैं, या फिर आप कुछ मॉडर्न टॉप पहन रहे हैं जीन्स के साथ, ये तो आप या शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं, तो चूंकि ये मॉडर्न लुक में है तो जो इसको आप किसी भी मॉडर्न ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था, तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था गाइस। और ये किसी भी मॉडर्न ड्रेस के साथ काफ़ी रिच लुक देता है, काफ़ी अगर आप कोई ड्रेस पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, या कुछ भी ऐसा पहन रहे हैं, जींस टॉप ही पहन रहे हैं, तो अगर आप इसको पेयर अप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, और प्राइस में भी काफ़ी अफोर्डेबल है ये। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप मॉडर्न लुक ट्राई करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। तो ये जो ईयरिंग है ये काफ़ी स्मॉल साइज़ में है। बहुत लोगों ने मैंने जो लास्ट 3 ईयरिंग कलेक्शन के वीडियोस बनाए थे, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप छोटे ईयरिंग्स भी दिखाओ। तो इस बार मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी तरह के ईयरिंग्स को इंक्लूड करूं। तो ये जो ईयरिंग है ये छोटे में है, बट काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। इसको सूट और लेगिंग्स कुर्ती के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अब देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है ये, और
अगर प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था 30 रुपीज़ का, तो प्राइस वाइज भी ये काफ़ी सही है। तो देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है ये, ओवरऑल आपके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देगा, काफ़ी प्यारा लुक देगा। एक छोटा सा बस पर्ल लगा है नीचे से, बट ये काफ़ी खूबसूरत लुक देता है, काफ़ी इन्हेंस करता है आपके लुक को। तो इसको आप सूट या लेगिंग्स कुर्ती किसी भी ड्रेसअप के साथ ट्राई कर सकते हैं। और जो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। ये जो है ये गोल्डन कलर में है, और ये जो है ये भी स्मॉल साइज़ में है, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसका प्राइस मुझे अराउंड 30 रुपीज़ का पड़ा था, और इसको अगेन आप सूट पे पहन सकते हैं, लेगिंग्स कुर्ती पे पहन सकते हैं, और ये बहुत प्यारा लुक देता है, बहुत ही यूनिक और प्यारा लुक देता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा था और आप इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। तो ये जो ईयरिंग है ये थोड़ा यूनिक स्टाइल में है, ये वेस्टर्न ड्रेस के लिए है, लॉन्ग में है, ये काफ़ी यूनिक ईयरिंग है। ये मैंने अगेन लोकल मार्केट से ख़रीदा था, और इसका प्राइस मुझे अराउंड 50 रुपीज़ का पड़ा था। और ये किसी भी अगर मॉडर्न ड्रेस आप पहन रहे हैं उसके साथ इसको ट्राई करेंगे, ये काफ़ी अच्छा लुक देगा ये। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। तो ये जो ईयरिंग्स है ये भी हमारा जो ना ही काफ़ी बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज़ में है, और थोड़ा झुमके स्टाइल में है, थोड़ा ये गोल्डन और सिल्वर का मिक्स है लुक है। तो इसको अगर आप कहीं सूट के साथ पहनेंगे तो ये काफ़ी क्यूट लुक देगा आपको, काफ़ी प्यारा लुक देगा आपको, और ये जितना आपको कैमरे पे दिख रहा है ये उससे भी काफ़ी खूबसूरत लुक देता है गाइस। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 30 रुपीज़ का, और अगेन इसको मैंने लिया था लोकल मार्केट से। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। ये ईयरिंग अगेन काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न है, और ये बहुत यूनिक लुक देता है। ये ईयरिंग्स अपने आप में एक्चुअली बहुत यूनिक है, ये एक तो मल्टी कलर है, प्लस ये जो है अगर आप इसे जीन्स कुर्ता के साथ स्टाइल अप करेंगे तो ये काफ़ी आपको मॉडर्न लुक देगा। प्लस ये आप मल्टी कलर है तो किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन पे चला जाएगा, और ये लॉन्ग में है बट ये बिल्कुल हैवी नहीं है, ये अगर आप पहनेंगे तो ये आपको काफ़ी हल्का लगेगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ गाइस तो ये मुझे पड़ा था 50 रुपीज़ का, अगेन इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरिंग की। ये जो ईयरिंग है ये सबसे यूनिक ईयरिंग है, ये आपको शायद जनरली कहीं नहीं मिलेगा, ये काफ़ी यूनिक पीस था, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये यूनिक लगा या नहीं। अगेन ये मॉडर्न लुक के लिए है, ये मल्टी कलर में है, और ये फेदर लुक में है, ये काफ़ी यूनिक लुक देता है आपको। अगर आप मॉडर्न ड्रेसअप कर रहे हैं तो उसमें ये ईयरिंग को ज़रूर ट्राई करें, और ये ईयरिंग आपके लुक को काफ़ी यूनिक बना देगा, काफ़ी लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये ईयरिंग कहाँ से लिया है। और ये अगर आप पहनने की बात करें तो देखिए ये हुक स्टाइल का है, आप इसको हुक के यूज़ से पहन सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया, ये काफ़ी हल्का है, वेट के हिसाब से ये काफ़ी हल्का है, काफ़ी यूनिक ट्रेंडी लुक देगा आपको। मल्टी कलर है तो आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली जींस कुर्ते पे भी जाएगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ गाइस तो ये अगेन मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 80 रुपीज़ का, अगेन इसको मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, लोकल शॉप से लिया था। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इस कलेक्शन के लास्ट ईयरिंग की, जो कि ये काफ़ी खूबसूरत और अब तक का मेरा फेवरेट ईयरिंग है। ये जो है इसको आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं, सूट के साथ पहन सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट ईयरिंग है अब तक का, बेस्ट बाय जिसे बोलते हैं, और इसको आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूनिक लुक देता है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का, प्राइस वाइज भी ये रीज़नेबल है, और ये बिल्कुल भी आपको पहनने पे हैवी नहीं लगेगा, काफ़ी लाइट वेटेड ही लगेगा, बट आपके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। ये देखिए इसमें मल्टीपल झुमके लगे हुए हैं, और इतना खूबसूरत लगता है ये ईयरिंग्स, मैं आपको बता नहीं सकती। ये अगर आप ट्राई करेंगे ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये मेरा फेवरेट ईयरिंग है।
और इसको मैंने साड़ी के साथ भी ट्राई किया है, सूट के साथ भी ट्राई किया है और इसने मेरे लुक को काफ़ी इन्हेंस किया है। तो अगर आपको ये ईयरिंग अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बता दूंगी मैंने इसको कहाँ से ख़रीदा था। तो गाइस, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो और ईयरिंग कलेक्शन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो था ये हमारा ईयरिंग कलेक्शन पार्ट 4 वीडियो था, बाकी के 3 पार्ट जो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो 3ों पार्ट भी ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ईयरिंग कलेक्शन कैसा लगा। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, कमेंट में बताते रहें कि आप नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।